क्या आपने भी उन सभी तस्वीरों और वीडियोज को सच मान लिया जिनमें यह दिखाया गया दलित सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं, कहीं गोलीबारी कर रहे हैं, कहीं पुलिस वाले को मार रहे हैं, तो कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? आखिर क्या है इन तस्वीरों और वीडियोज की सच्चाई? भारत बंद के दौरान एक तरफ दलित जातिवादियों की हिंसा का शिकार हो रहे थे, पुलिस की क्रूरता का शिकार हो रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया उन्हें बदनाम कर रही थी, और ये सुनियोजित था ताकि असल मुद्दे पर सवाल ना किए जा सके। ये तस्वीर ग्वालियर की है। पहले इस शख्स को दलित प्रदर्शनकारी बताया गया, बाद में पता चला ये राजा चौहान है जो दलित प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहा था। दलितों की गुंडागर्दी कहकर प्रचारित किया गया, मगर सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये दलितों से गुंडागर्दी थी, दलितों पर गोलीबारी थी। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें शेयर करके प्रचारित किया गया कि दलित युवक ने वर्दीधारी पर हमला किया, जबकि इसका भारत बंद से कोई लेना देना नहीं था। ये तस्वीर पिछले साल की है और कानपुर की है। अभी तो इसके जरिए सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही थी। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया भारत बंद में शामिल दलितों ने हनुमान जी की तस्वीर का अपमान किया, जबकि ये वीडियो पिछले साल 27 मई 2017 की है, जो दक्षिण भारत में हुए एक प्रदर्शन की है। इसका भारत बंद के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं। जब बात फर्जी तस्वीरों और वीडियो की हो तो जी न्यूज का नाम अपने आप आ जाता है। फेक न्यूज का इसका अपना ही इतिहास रहा है। इस बार एक उपद्रवी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उसके दाढ़ी दिखाई गई ताकि हिंसा में मुस्लिमों का हाथ बताया जा सके और जी न्यूज का एंटी मुस्लिम एजेंडा फैलाया जा सके। NDTV के वीडियो से इसकी पोल खुली और तब सच्चाई सामने आई। फेक न्यूज के लिए कुख्यात इस चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाले PM मोदी फेक न्यूज पर चिंता जताते हैं तो कितना फेक लगता है। एक और वीडियो में दिखाया गया कि पुलिस ने जिस पूर्व बसपा विधायक को गिरफ्तार किया, लात मारकर पुलिस वैन में डाला, वो दंगा फैला रहा था। मामले का पूरा वीडियो सामने आया तो पता चला कि ये दलित नेता दंगा शांत करा रहा था, हाथ जोड़कर पत्थरबाजी रुकवा रहा था, मगर पुलिस ने तथाकथित ऊंची जाति के लोगों की बजाय इस दलित नेता को गिरफ्तार किया, अपमानित और प्रताड़ित किया। ग्वालियर की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करते इस शख्स की तस्वीरें दिखाकर दलितों को हिंसक और हत्यारा साबित करने की जमकर कोशिशें हुई। बाद में पता चला ये शख्स ना तो दलित है और ना ही भारत बंद का समर्थक। इस बंदूकधारी का नाम है महेंद्र चौहान, जो प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहा था। ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र चौहान के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। एक तरफ सड़कों पर ये दलितों की हत्या करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ मीडिया के लोग दलित आंदोलन की हत्या करने में लगे थे। इस तरह की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आती गई और मन मुताबिक अफवाह फैलाकर एक वर्ग विशेष को बदनाम किया जाता रहा। साजिश बड़ी है। सड़क से लेकर स्टूडियो और सोशल मीडिया तक दलितों के खिलाफ नफरत बोई जा रही है। नफरत इसलिए भी कि वो भेदभाव वो पक्षपात कायम रहे, शायद इसीलिए इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। फेक न्यूज का ये क्रम जब तक जारी रहेगा, मीडिया ऐसे सुपारी लेता रहेगा, पक्षपात भेदभाव होता रहेगा, तो मीडिया पर हमारी नजर ऐसे बनी रहेगी। बोलता हिंदुस्तान से समर्थ।